हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वनीला कस्टर्ड। इसके लिए हमें चाहिए कस्टर्ड, मिल्क, शुगर, ये एक्स्ट्रा मिल्क है जिसमें हमने वनीला मिक्स करना है अपना, मलाई और बटर। मैं कस्टर्ड थोड़ा अलग वर्जन में बनाती हूँ जिससे में बटर भी यूज होता है। बटर से एक अलग सा टेक्सचर आता है आपके कस्टर्ड में। सबसे पहले हम ये 5 स्पून कस्टर्ड डाल लेंगे, बीच में टेबलस्पून 5 to 6 डालना है। आपने जितना थिक बनाना, अगर आपको ज्यादा थिक चाहिए तो आप 6 टेबलस्पून भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे नॉर्मल ही मीडियम ही बनाना है इसीलिए मैं 5 टेबलस्पून कस्टर्ड यूज करूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम कस्टर्ड को दूध में मिक्स करेंगे। ये देखिए, आपके इस जो आप मिक्स बनाओगे, मिक्सचर बनाओगे, इसमें ध्यान रखिएगा लम्स ना रहे। एक लीटर दूध हम ले लेंगे। ये मेरा कप मेजरिंग कप 500 ml का है। पहले एक कप मैंने डाल लिया हुआ है, अब ये दूसरा कप इसमें ऐड करूंगी। 1 लीटर मिल्क और इसमें हम लोग डालेंगे मलाई। मलाई आप 5 से 6 चम्मच डालिएगा। मलाई अभी ठंडे दूध में ही डालनी है, गर्म में मत डालिएगा। अब मलाई डालने के बाद फ्लेम ऑन कर लीजिए और इसे कॉन्टिन्यूटी में चलाते रहिए। आपको कॉन्टिन्यूटी में चलाना है इसको ताकि मलाई अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। अगर आपके पास मलाई नहीं हो तो आप अमूल की फ्रेश क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हो। मलाई हमारी तकरीबन मिक्स हो ही गई है इसमें। अब हम इसमें शुगर डाल लेंगे। शुगर ये मेजरिंग 1 कप डालनी है, ये 1/2 कप है और 1/2 कप और। वन कप शुगर और इसे चलाते रहिए। मैंने मलाई मिक्स करने में 5 से 6 मिनट लगाए होंगे। पहले तो लो फ्लेम पे रखा था थोड़ी देर, उसके बाद मीडियम टू हाई फ्लेम करके मलाई दूध में एकदम मिक्स हुई है। अब फ्लेम को लो करेंगे। जब आपने कस्टर्ड डालना है दूध में तो फ्लेम लो होनी चाहिए और दूध भी थोड़ा कम ही गर्म हो तो गुठलियां कम बनती हैं। अब कस्टर्ड डालना है। एक बार डालने से पहले फिर से हम इसे हिला लेंगे कस्टर्ड को। अब कस्टर्ड आप एकदम से मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालना और साथ में हिलाते रहना ताकि इसमें लम्स ना बने। फ्लेम मैंने बिल्कुल ही लो कर दिया है, मैं टेम्परेचर 300 पे कर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। जब आपको इसमें कस्टर्ड डालना है तब फ्लेम लो रखनी है और जब पूरा कस्टर्ड डाल लो तो फिर आप हाई फ्लेम भी कर सकते हो, बट कंटिन्यूटी में आपको हिलाते ही रहना है वरना गुठलियां बनेंगी। अब आप इसको कंटिन्यूटी में हिलाते रहिए। अब आप कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी देखिए, ठीक हो गई है। ये ठंडा होकर और भी ठीक हो जाता है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अभी इसको आप हिलाते रहिए। अगर हम अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये इसके ऊपर एक मोटी सी पपड़ी सी लेयर बन जाती है, तो उससे अच्छा नहीं आता, खाने में टेस्ट नहीं आता है।
अब हम इसमें बटर डाल लेंगे। बटर मैं इतना सा डाल रही हूं, हाफ टीएसपी। बट जब भी आप बटर डालोगे आप पहले गैस ऑफ करोगे, उसके बाद ही बटर डालना है, पहले नहीं डालना है बटर। बटर डालने से बहुत ही क्रीमी सा लुक आता है। अभी फ्लेम मेरी ऑफ है, लेकिन इसको ठंडा करने के लिए मैं हिला रही हूं। जब हल्का गर्म हो जाएगा तब हम इसे बाउल में ट्रांसफर करके, जब गर्माहट हमारे कस्टर्ड की हल्की कम हो जाए तो आप तब इसे बाउल में ट्रांसफर करके फ्रिज में रख सकते हैं ठंडा होने के लिए। आप सोच रहे होगे मीठा बनाया है और उसमें बटर डाला है, बटर सॉल्टेड होता है, आप चाहो तो अनसॉल्टेड बटर भी यूज कर सकते हो। बट आपको मैं एक टिप दे दूं कि हम जब भी कोई मीठी चीज डालते हैं तो उसमें पिंच सा सॉल्ट हम लोग जरूर डालते हैं, क्योंकि इससे मीठा हमारा और ज्यादा अच्छे से आता है। तो अगर बटर में हल्का सा सॉल्ट है भी तो हमारे कस्टर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांसफर कर लिया मैंने अपने कस्टर्ड को बाउल में, अब थोड़ा फ्रूट डाल लेते हैं। आप सीजनल जो भी फ्रूट हो, जैसे ग्रेप्स हो गए, मैंगो हो गए, स्ट्रॉबेरी हो गई, आप कोई भी सीजनल फ्रूट इसमें एड ऑन कर सकते हो जो आपको खाने में अच्छा लगता हो। मिक्स कर लें अच्छे से। बनाना अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए हैं। थोड़ा सा पॉमिग्रेनेट अनार डाल देते हैं। अब थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। इसमें अगर ग्रेप्स होते तो और भी ज्यादा अच्छा होता कस्टर्ड, लेकिन अभी ग्रेप्स का सीजन नहीं है तो ग्रेप्स अवेलेबल नहीं होते हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कस्टर्ड तो हम सभी ही बनाते हैं और सभी अपने अपने घरों में बहुत ही टेस्टी कस्टर्ड बनाते हैं, लेकिन मेरा वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट है बटर और मलाई के कारण। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।